नमस्कार दोस्तों, इंडिया एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं आज का पंचांग। जी हाँ, आज है 24 जनवरी, 24 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, आयन उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष है। और जो हिंदी तिथि है वो तृतीया है तिथि, शाम को 3:21 तक, और उसके बाद लग जाएगी चतुर्थी। नक्षत्र सद्विषा नक्षत्र है, रात्रि 9:58 तक, और उसके बाद लग जाएगा भाद्रपद। तो ये हो गया हमारा आज का पंचांग। और उसके बाद आज 24 जनवरी है, जिनका आज बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका जो आने वाला साल है वो बहुत मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ बता देती हूँ कैसा रहेगा आपका आने वाला साल। सबसे पहले जिनका बर्थडे होता है उनका मूलांक होता है आज, जिनका बर्थडे है यानी 24 जनवरी को जिनका बर्थडे है उनका मूलांक होता है 6। जी हाँ, 2 और 4 मिलकर बन जाता है 6। तो आप जो है बहुत, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, गजब का कॉन्फिडेंस है 6 मूलांक वालों के बीच में। और आपके पास कैसी भी परिस्थितियां आ जाए आप डगमगाते नहीं है, मतलब परिस्थितियां कैसी भी हो आप डगमगाएंगे नहीं। और आपको ना खुशबू का बहुत शौक होता है, जो 6 मूलांक वाले लोग होते हैं ना उनको खुशबू पसंद होती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नेटवर्किंग से अगर जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको मुनाफा हो सकता है। जी हाँ, अगर आप 6 मूलांक वाले हैं तो बिल्कुल इस क्षेत्र में आपको मुनाफा हो सकता है। और आप आकर्षक होते हैं, विनोदी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, आपको कला से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और थोड़े से महत्वाकांक्षी भी होते हैं आप लोग। और आपका शुभ दिनांक है, यानी आपके लिए जो दिन अच्छे हैं वो है 6, 15 और 24। आपके लिए शुभ अंक जो अच्छे हैं वो है 6, 15, 24, 33, 42, 51, 59 और 78। आने वाला शुभ वर्ष होगा आपका 2022, तो निकल गया है 2026। अच्छा होगा, आने वाले सभी वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे हो, ये मेरी पर्सनल शुभकामनाएं हैं। इष्ट देव है आपकी माँ सरस्वती, और माँ लक्ष्मी सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, इसलिए उनको तो बिल्कुल उनकी आराधना करनी ही चाहिए। शुभ रंग है आपका क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी, लेकिन आप लोग जिस रंग को भी पहनेंगे अच्छे लगेंगे, सभी रंग बहुत अच्छे होते हैं। आपका आने वाला वर्ष कैसा है, तो मैंने कहा अगर आप नेट बैंकिंग में हैं तो बिल्कुल आपको फायदा हो सकता है। उसके अलावा आप अगर जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें मिला जुला फल रहेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी। हाँ, जो 6 मूलांक वाले हैं और जिनका मतलब जिनकी 24 आज बर्थडे है, तो हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो हो सकता है इस साल आप 1 से 2 हो जाएं और आपका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाए, कैसा रहे ना। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन है और आने वाले वर्ष आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे रहे। चलिए जल्दी से हम लोग सुन लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, घर वालों का भरोसा आप जीत जाएंगे, और अगर कोई समस्या फैली है तो उसका समाधान हो जाएगा। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और किसी भी काम को करने में जल्दबाजी मत दिखाइए, अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। मिथुन राशि, आज आपके लिए कोई शुभ सूचना आएगी और आप कुछ जन कल्याण का काम करेंगे और आपको प्रसिद्धि मिलेगी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि, आज आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आप कुछ आवश्यक कार्य करेंगे और कोई आपको अचानक से लाभ भी मिल सकता है। सिंह राशि, आज आपका दिन भी अच्छा रहेगा और आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, और आपको आपको जो टीम वर्क है उसके जरिए किसी को काम करने का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी आप अपना कोई कठिन से कठिन काम पूरा कर लेंगे। कन्या राशि, आज का दिन कुछ कमजोर रहेगा आपके लिए, अपने विपक्षियों से सावधान रहिएगा, और हाँ हो सकता है आप कोई काम करने जाना तो थोड़ी सी रुकावटें आई लेकिन कोशिश करिएगा। तुला राशि, आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और अगर कहीं उधार ले रहे ना किसी व्यापार के क्षेत्र में तो बहुत सावधानी से लीजिएगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन मिला जुला फल देने वाला है। संतान का, यदि अपने संतान के लिए कोई आवेश भी फैसला ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपको ही पछताना पड़े। धनु राशि, आज आप सामाजिक कार्य करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा है ना तो प्लीज अपने आलस्य को त्याग दीजिए,
मकर राशि आज का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर के आएगा। और अगर वैसे तो आज आप शॉपिंग करेंगे और बहुत ज्यादा पैसा शॉपिंग में खर्च करने वाले हैं तो सोच समझ के करिएगा। कुंभ राशि आज का दिन आपके आय के लिए बहुत बेस्ट है, पर आपको अपने सभी काम बहुत जिम्मेदारी से करिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। मीन राशि आज का दिन सोच समझ के खर्चा करिए, हो सकता है कि आप बहुत दिखावे के चक्कर में बहुत ज्यादा खर्च कर दें, तो बहुत सोच समझ के करिएगा। और अगर आप कोई बड़ी डील फाइनल करना चाहते हैं तो तत्काल में थोड़ी रुकावटें आए, परेशान मत होइएगा, कोशिश करिएगा। तो ये था हमारा आज का राशिफल। दोस्तों मैं वैसे भी कहती हूँ हमेशा कि कर्म करने चाहिए, तो राशिफल अपनी जगह है, लेकिन कर्म को करते रहिए। आज है 24 जनवरी और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका दिवस। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और बालिकाओं का जो है, आज हम लोग जितने भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बालिकाओं की स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। आज की डेट में भी बहुत ज्यादा असमानताएं बालिकाओं के लिए, मतलब उनका जो अगर दो लोग हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता ही है बालिकाओं को लेकर के, होता है ना। तो इसी चक्कर में आज जो है बालिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी असमानताएं हैं बालिकाओं के लिए। और बालिका दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारी, एक मिनट, जो इंदिरा गांधी जी थी, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने ना पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी आज के दिन। और आज बालिका दिवस मनाते हैं क्योंकि महिलाओं के प्रति जागरूक फैलाने के लिए, जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग बालिका दिवस मनाते हैं। और आज का इतिहास क्या है वो भी जान लेते हैं जल्दी हम लोग। 24 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण डेट भी है। 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन, उसको आधिकारिक रूप से आज वो लागू हुआ था कि आज वो हमारा राष्ट्रीय गान बनेगा घोषित। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान हमारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान घोषित हुआ था। उसके अलावा जो सुभाष घई जी, जिनको सभी लोग जानते हैं, उनका आज बर्थडे है। और वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी का आज जन्मदिन भी होता है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है आज के दिन, लेकिन आपको प्रमुख प्रमुख बताया है। और आपका दिन, आने वाला दिन बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं कल लेकर के आऊंगी कल का इतिहास और कुछ रोचक जानकारी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका दिन बहुत शुभ हो, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बना करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।